ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ठंडे प्रदेशों में तापमान एक सीमा कार्य कारक के रूप में कार्य करता है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। पाला पड़ने से या तापमान शून्य या बहुत कम होने से पौधे की मृत्यु हो सकती है या पौधे की जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। इस कारण से ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाए जाते हैं और इनके अंदर पौधे लगाए जाते हैं, इनके अंदर पादप लगाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें इस ग्लास से होते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है और इसको मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और मिट्टी के द्वारा वापस से उत्सर्जित होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन अवरक्त किरणें होती हैं वो इस कांच के घर से बाहर नहीं जा पाती हैं, गिलास की वजह से रुक जाती हैं। और इस प्रकार से इस जो गिलास का जो हाउस है इसके अंदर क्या हो जाता है, तापमान बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिससे कि पौधे जीवित रह सकते हैं और उनकी वृद्धि आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कांच के बंद घर में बाहर की तुलना में तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने कि इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगर हम अपने हमारे वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वातावरण के तापमान को मेंटेन करके रखती है, नियत करके रखती है, या यूँ कहें कि अर्थ का जो तापमान है उसको ये मेंटेन करके रखती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अगर कुछ वृद्धि हो जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर बन जाती है, जिसके कारण से पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को ये रोक लेती है। और ये एक तरीके से जो हमने ग्रीन हाउस देखा था उस ग्रीन हाउस के गिलास की तरह ही ये कार्य करती है और उस गिलास के भांति ही जो पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो अवरक्त किरणें हैं उनको रोक करके टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन हम देखेंगे कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होती, इसके साथ जलवाष्प, ओजोन, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी क्या होती हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि सन से जो लाइट आती है, जो विकिरण आती हैं उनमें से कुछ विकिरण एनवायरनमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती हैं। इसके अलावा बाकी जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुँच पाती हैं, जिनको पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर पृथ्वी के द्वारा वापस से इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में इनको उत्सर्जित किया जाता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो इस इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उनको क्या कर लिया जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कवर के द्वारा रोक लिया जाता है और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर सामान्य बनी रहती है तो ऐसे में ये पृथ्वी के तापमान को ये नियत रखता है और जो अतिरिक्त मात्रा होती है अवरक्त किरणों को उनको बाहर मोचित होने देता है, उनको बाहर अंतरिक्ष में जाने देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ जाती है तो ऐसे में इसका एक मोटा कवर बन जाता है, जो कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन है अवरक्त जो किरणें हैं उनको पूर्ण रूप से अंतरिक्ष में जाने से रोकता है और इस प्रकार से तापमान बढ़ाने का काम करता है और पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस से जो हरित गृह प्रभाव है उसके स्रोत क्या क्या हैं और उसके कारण क्या क्या हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने देखा है कि एक मुख्य गैस है जो कि हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा किस तरीके से बढ़ती है, तो इसमें हम सबसे पहला देख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मी ईंधन, कि जीवाश्मी ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। कोयला व पेट्रोलियम है ये जीवाश्मी ईंधन होते हैं जिनके जलने से मुख्यतः CO2 गैस उत्पन्न होती है।
कोयला है, ये हम जानते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ऐस पिघलाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस कोयले के दहन से क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में CO2 वातावरण में मिलती है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इनका भी विश्व में बड़ी मात्रा में खपत की जाती है और इसके जलने से भी CO2 अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, वन का विनाश। डिफॉरेस्टेशन से दो प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। एक तरीके से हम देखेंगे कि जो जंगल है या वन है उनको जलाऊ लकड़ी के लिए या अन्य कार्यों के लिए काटा जाता है, और जब इन लकड़ियों को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम लेते हैं। इस प्रकार से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। लेकिन पौधों की कटाई या वनों की कटाई होने से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लेते थे को ये वातावरण से नहीं निकाल पाएंगे, या यूँ कहें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे नहीं होने की वजह से पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं की जाएगी और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। वुड बर्निंग, लकड़ी का दहन। लकड़ी के दहन से चाहे वो दहन हम घरेलू या औद्योगिक किसी भी रूप में करें, उससे भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। सेकेंड है अदर गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैस भी होती हैं जो कि हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं, फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम देखेंगे इसका उपयोग प्रमुखतः हम शीतलन या एरोसोल के लिए करते हैं, और ये गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती है। ये पूर्णतः मानव जनित गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है और ये हरित गृह प्रभाव को प्रदर्शित करती है। सेकेंड है मिथेन। मिथेन है ये अवायवीय बैक्टीरियाओं की वेटलैंड व चावल के खेतों पर पनपने से उत्पन्न होती है। कोयले की खान व प्राकृतिक गैसों की पाइपलाइन से सीधे रिसाव से भी उत्पन्न होती है। कूड़ा भराव स्थलों जिन्हें हम लैंडफिल्स बोलते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से भी मिथेन उत्पन्न होती है, और लकड़ी के अपूर्ण दहन से भी मिथेन उत्पन्न होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो हरित गृह प्रभाव है ग्रीन हाउस की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य जो हरित गैसें हैं इनके द्वारा इंफ्रारेड विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है, और इंफ्रारेड विकिरणों के अवशोषण से अवशोषण करने से यहाँ पृथ्वी का जो है ये औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार यह वृद्धि पिछली शताब्दी में 0.74 ± 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पाई गई। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड इंक्रीज इन सी लेवल, बर्फ का पिघलना व समुद्री तल की ऊंचाई का बढ़ना। भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के साथ ही ध्रुवीय जो बर्फ है या जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे कि नदी और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। एक अनुमान के अनुसार 2100 में समुद्र तल में 110 से लेकर 770 mm तक की वृद्धि हो सकती है, और इसके बहुत सारे व्यापक प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि बहुत सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, और बहुत सा नया भाग है ये हाई टाइड क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, और जो समुद्री तट के पास जो निवास स्थान है वो इसके अंदर डूब जाएंगे। नेक्स्ट है ओशियन एसिडिफिकेशन, समुद्र का अम्लीकरण व संतुलन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष CO2 की
वर्दी का एक बड़ा भाग समुद्र द्वारा सोख लिया जाता है। CO2 की आयु वातावरण में 500 वर्ष होती है, अतः समुद्र इसका अवशोषण न करता तो ये तेजी से बढ़ चुकी होती है। तो बहुत अधिक मात्रा किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, समुद्र में अवशोषित कर ली जाती है। CO2 की मात्रा में वृद्धि से जहाँ समुद्र की अवशोषण क्षमता चरम तक पहुँचने लगती है, उसी वक्त समुद्र के तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होने से अवशोषण क्षमता घटने लग जाती है। अवशोषण क्षमता तापमान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तापमान बढ़ने से सतही समुद्री जल की CO2 मुक्त करना प्रारंभ कर देता है। समुद्र की सतह से CO2 मुक्त होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे वायुमंडल में CO2 पुनः मिल जाती है और हरित गृह प्रभाव तेजी से बढ़ने लग जाता है। CO2 बढ़ने पर इसका उपयोग प्रमुखतः शैवालों के जैव भार में वृद्धि करता है, और कुछ मात्रा में CO2 है ये लाइम स्टोन में बदल जाती है, जिसका उपयोग समुद्री जीव कवच के रूप में करते हैं। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, जैसा कि हमने देखा हरित गृह प्रभाव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप ताप और पीएच में परिवर्तन आता है, और ताप और पीएच के प्रति जो संवेदी जातियां होती हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, घटने लग जाती है या विलुप्त होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इफेक्ट ऑन रेन, वर्षा की अगर हम बात करें कि वर्षा पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि जो मानसून साइकिल है वो भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिससे कि वर्ल्ड के कुछ एरियों के अंदर भारी बारिश होगी और कुछ एरिया क्या हो जाते हैं, सूखे रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पे बारिश बहुत अधिक होगी वहाँ पर जो मृदा के अपरदन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हरित गृह प्रभाव का नियंत्रण, कि हरित गृह प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा हरित गृह प्रभाव के पीछे मुख्य कारण क्या है, CO2 गैस है, इसके अलावा अन्य गैसें भी हमने देखी। तो इन जो गैसों पर अगर नियंत्रण किया जा सकता है, इनके उत्सर्जन को अगर रोका जा सकता है, तो हरित गृह प्रभाव को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत को कम करना होगा, इसके अलावा जीवाश्म ईंधन है इनके उपयोग को घटाना होगा, इनकी जगह वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही साझा परिवहन व्यवस्था को विकसित एवं प्रोत्साहित करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि पब्लिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। इसके अलावा भवनों को ठंडा या गर्म रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसके लिए ऐसी प्रभावी एक डिजाइनिंग तैयार करनी होगी, जिससे कि भवनों को गर्म और ठंडा रखने के लिए अलग से अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़े। साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टाइडल जो एनर्जी है ये प्रदूषण मुक्त होती है, तो इन ऊर्जाओं को भी अधिक से अधिक बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि तापीय विद्युत गृह के स्थान पर अधिकतम इनका क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। जीवाश्म ईंधन व लकड़ी के दहन को कम किया जाना चाहिए, और इन स्रोतों से कार्बन जो निकलता है वहाँ इन्हें कार्बन को बांधने व संचित करने के कुछ उपकरण भी लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा पादप विवरण को बढ़ा करके कार्बन की मात्रा को क्या किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है।